नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीबीएन 24, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। अमरोहा से एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। अमरोहा पहुंच चुकी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आइए जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि अमरोहा में आज कांग्रेस पार्टी की भारत यात्रा पहुंची, जिसका नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने। इस यात्रा की शुरुआत अमरोहा के वासुदेव तीर्थ से हुई और यह यात्रा अमरोहा के दरगाह साबिर साहब पर भी पहुंची। उसके बाद यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई अपने गंतव्य की ओर आगे रवाना हो गई। इस यात्रा में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बेबाकी से पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा की योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन करने के लिए पूरा प्रदेश को 6 हिस्सों में बांट करके हमारा जो भारत जोड़ो प्रादेशिक यात्रा चल रही है, उसका ये आज अमरोहा में कार्यक्रम है। और अमरोहा के लोग राहुल जी के साथ चलने के लिए बड़े उतावले हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज स्वागत पर निकले हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही दिन पर दिन हमारे साथी आगे बढ़ते जाएंगे और देश को बचा लेंगे। सर, राहुल गांधी जी के बयान को लेकर के सीएम योगी ने कहा है कि जो है वो देश की जनता से माफी मांगे। राहुल गांधी किस बात को लेकर? जो उन्होंने कहा है कि सेना हमारे देश की पिट रही है, किस बात को लेके योगी जी ने कहा? योगी जी को दिखता नहीं है कि हमारी जमीन कवर होती जा रही है? कितनी जमीन उन्होंने दबा रखी है और हमारी भारत सरकार उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। कौन सा दोस्ताना वो उनका रिश्ता है, ये उन्हें खुद उजागर करनी चाहिए। अगर विपक्ष का काम है सरकार को आगाह कराने का, सरकार ने आगाह कराया, अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे वो उनका विषय है। इसके अलावा उनसे जब कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बीच चल रही जंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन चौधरी को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद जब उनको पद बताया गया तो उन्होंने पूरे मामले में उनसे वार्ता करने की भी बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन चौधरी, जो उनके ठीक पीछे खड़े थे, उनको पहचानने से इनकार करने के मामले में कांग्रेस पार्टी में चल रही कलह को साफ देखा जा सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जीबीएन 24 सृष्टि राय के साथ।